जय जिनेंद्र, मैं काव्या जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। संथारा साधिका उपप्रवर्तनी साध्वी रत्ना श्री स्वर्ण कांता जी की सुशिष्या, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी साध्वी रत्ना श्री सुधा जी महाराज की सुशिष्या, जिन शासन पारसमणि श्री समता जी महाराज, प्रवचन भास्कर डॉक्टर श्री सुवर्षा जी महाराज, वीर श्रोमणी श्री प्रगति जी महाराज, श्री मैत्री जी महाराज, श्री मनस्वी जी महाराज, श्री यत्ना जी महाराज, श्री गाथा जी महाराज, श्री चूडिका जी महाराज ठाणे 8, श्री श्याम मुनि जैन चैरिटेबल ट्रस्ट SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान हैं। महाराज द्वारा प्रतिदिन प्रवचन और पाठ सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी जैन भक्त भाई बहन भाग लेकर पुण्यपाजन कर रहे हैं। संथारा साधिका उपप्रवर्तनी साध्वी रत्ना श्री स्वर्ण कांता जी की सुशिष्या, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी साध्वी रत्ना श्री सुधा जी महाराज की सुशिष्या, जिन शासन पारसमणि श्री समता जी महाराज, प्रवचन भास्कर डॉक्टर श्री सुवर्षा जी महाराज, वीर श्रोमणी श्री प्रगति जी महाराज, श्री मैत्री जी महाराज, श्री मनस्वी जी महाराज, श्री यत्ना जी महाराज, श्री गाथा जी महाराज, श्री चूडिका जी महाराज ठाणे 8, श्री श्याम मुनि जैन चैरिटेबल ट्रस्ट SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान हैं। महाराज द्वारा प्रतिदिन प्रवचन और पाठ सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी जैन भक्त भाई बहन भाग लेकर पुण्यपाजन कर रहे हैं। तेरे हाथों में धर्म और धन दे दिया, तेरे हाथों में धन और धर्म दे दिया, नाम तू ना कमाए प्रभु। किसी ने किसी के साथ छल नहीं करना, क्या नियम है? छल्ली नहीं खानी, छोलिया नहीं खाना, और किसी ने किसी के साथ आज के दिन छल भी नहीं करना। हाथ जोड़ लीजिए सभी भाई बहने, सिर्फ आज के लिए अपने अपने मंदिर जाने बदल। त्याग वोसरे वोसरे। और आज क्या तारीख है? आज 16 तारीख है, 16वीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ हैनमय की एक एक माला सभी भाई बहनों ने करनी है। 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ हैनमय की एक एक माला सभी भाई बहनों ने करनी है। श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनत्तो धम्मो लघुतमा, चत्तारी शरणम पवज्जे, अरिहंता शरणम पवज्जे, सिद्धा शरणम पवज्जे, साहू शरणम पवज्जे, केवली पनत्तो धम्मो शरणम पवज्जे, अरिहंत शरणा, सिद्ध शरणा, साहू शरणा, केवली रूपया दया धर्म का शरणा। ये चार शरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका जर पद होगा, उसका सदा मंगल होगा। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज के पौत्र शिष्य तप योगी लोक पुरुष पूज्य श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज आदि ठाना सहित साध्वी श्री एशना जी महाराज आदि ठाना और साध्वी रतन श्री यशा ज्योति जी महाराज आदि ठाणे 4 की पावन निशा में विजेंद्र नगर डाबा रोड स्थित आराधना भवन में 18 फरवरी 2018 को वैरागी रामेश्वर दास जैन, वैरागी अशोक जैन और वैरागी विशेष जैन की जैन भगवती दीक्षा होने जा रही है, जिसके चलते आज तीनों महान आत्माओं को प्रत्येक आशीर्वाद देते हुए तिलक वटना और आरती की रस्म अदा की गई। 18 फरवरी 2018 को वैरागी रामेश्वर दास जैन, वैरागी अशोक जैन और वैरागी विशेष जैन की जैन भगवती दीक्षा होने जा रही है। इस मंगल बेला में आनंद की वर्षा करने और तीनों महान आत्माओं को प्रत्यक्ष आशीर्वाद देने नमोकार साधक श्री तारक ऋषि जी महाराज, डॉक्टर श्री सहयोग ऋषि जी महाराज साहेब ठाणे 7 और सौरभ मुनि जी महाराज साहेब ठाणे 4 सहित कई अन्य संत भी पधार रहे हैं। साध्वी रतन श्री यशा ज्योति जी महाराज आदि ठाणे 4 भी अहमदगढ़ से विहार करके आराधना भवन में इस दीक्षा समारोह में भाग लेने पहुंचे हैं।
इस जैन भगवती दीक्षा समारोह के चलते आज तिलक, बटना, मेहंदी और आरती की रस्म अदा की गई। तो सभी अपने अपने बटने का ध्यान रखेंगे और समय का ध्यान रखते हुए अपने बटने का कार्यक्रम को संपन्न करेंगे और सभी जने पूरा पूरा ध्यान रखते हुए और 1 बजे जो जो महिला मंडल के सदस्य हैं और जो जो कलश में नाम लिखवा रखे वो सभी 1 बजे आ जाएंगे ताकि उनको कलश सौंप दिया जाए और कलश ले लिया जाए। ताकि आप लोग कलश ले लेंगे तो थोड़ी जगह भी हमारे को खाली मिल जाएगी, जगह भर गया सारा, तो और भी सामान जैसे आने हैं थोड़े से तो वो जगह खाली हो जाएगी थोड़ी सी। तो सभी जने समय पर ध्यान रखेंगे और आज से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। जो जो है ना काम करने वाले हैं और जो जो समय देने वाले हैं आज से ही सोच ले कि आप लोगों की ड्यूटी आज से ही प्रारंभ है। सभी जने पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। जय भगवती बारदाना क्लब की ओर से 11वीं विशाल माता की चौकी व भंडारे का आयोजन 31 मार्च 2018 दिन शनिवार को दलपत हाउस लक्कड़ बाजार लुधियाना में चेयरमैन मदन लाल गुगलानी और प्रधान गुलशन टक्कर की अध्यक्षता में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। इस आयोजन की तैयारियों संबंधी विचार विमर्श करने के लिए आज क्लब की ओर से एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया। जय भगवती बारदाना क्लब की ओर से 11वीं विशाल माता की चौकी व भंडारे का आयोजन 31 मार्च 2018 दिन शनिवार को दलपत हाउस लक्कड़ बाजार लुधियाना में चेयरमैन मदन लाल गुगलानी और प्रधान गुलशन टक्कर की अध्यक्षता में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। इस 11वीं विशाल माता की चौकी में संदीप सूद एंड पार्टी हुशियारपुर वाले अपने भजनों से माँ का गुणगान करेंगे। इस आयोजन की तैयारियों संबंधी विचार विमर्श करने के लिए आज क्लब की ओर से एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया। जय भगवती बारदाना क्लब की ओर से 11वां विशाल चौकी जो कि 31 मार्च दिन शनिवार दलपत हाउस में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें भाग लेने वाली पार्टी संदीप सूद एंड पार्टी हुशियारपुर वाले महामाई का गुणगान बड़ी धूमधाम से करेंगे। और हमारी सब से बेनती और हमारे क्लब की ओर से सब से निवेदन यही है कि सब महामाई का आके आशीर्वाद लें, जो कि रात 8 बजे से लेकर शाही रात लंगर चलेगा। 31 मार्च दिन शनिवार दलपत हाउस में बड़ी धूमधाम से महामाई का गुणगान हो रहा है और सब भक्तों से सब रिश्तेदारों से यही बेनती है कि सब महामाई का आगे आशीर्वाद लें। और हमारे जिसमें गुरु जी झिड़ी वाले श्री श्यामलाल जी गुसाई जी वो भी पधार रहे हैं और सब आप उन लोगों का भी उन लोगों से भी आप आगे आशीर्वाद लें और महामाई का गुणगान करें। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। धर्म प्रभावक विद्वान संत मधुर प्रवचनकार गुरुदेव श्री सौरव मुनि जी महाराज, सेवा भावी श्री राजीव मुनि जी महाराज जैन स्थानक सुंदर नगर लुधियाना से विहार करके जैन स्थानक जनता नगर लुधियाना में विराजमान है। महाराज 17 फरवरी 2018 तक यहीं विराजमान रहकर अपने प्रवचनों के जरिए ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, जिसका सभी जैन भक्त भाई बहन लाभ ले रहे हैं। धर्म प्रभावक विद्वान संत मधुर प्रवचनकार गुरुदेव श्री सौरव मुनि जी महाराज, सेवा भावी श्री राजीव मुनि जी महाराज जैन स्थानक सुंदर नगर लुधियाना से विहार करके जैन स्थानक जनता नगर लुधियाना में विराजमान है। महाराज 17 फरवरी 2018 तक यहीं विराजमान रहकर अपने प्रवचनों के जरिए ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, जिसका सभी जैन भक्त भाई बहन लाभ ले रहे हैं। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। माँ बाप को तड़फाना अच्छा नहीं होता है, माँ बाप को तड़फाना अच्छा नहीं होता है,
उपकार भूल जाना अच्छा नहीं होता है, माँ बाप को तड़फाना अच्छा नहीं होता है। स्वामी श्री प्रेमचंद जी महाराज पंजाब केसरी जैन भूषण उपाध्याय प्रवर्तक स्वामी श्री प्रेमचंद जी महाराज ने अपने प्रवचन के अंदर फरमाया था, एक ही आत्मा के अंदर इतना वैभव है, इतनी संपदा है, अगर वो संपदा और वैभव के द्वारा दुनिया की दरिद्रता क्या हो सकती है, दूर हो सकती है, इतना पावर, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति और इतना आनंद एक आत्मा के अंदर भरा हुआ है। जागने की जरूरत है, जागोगे तो आनंद में रहोगे। और कब तक सोते रहोगे? कोई बचपन में जाग जाता है, कोई जवानी में जाग जाता है और कोई वृद्धावस्था में जाग जाता है, जो नहीं जागता वो तो अभागा होता है, इसलिए सबको जागरूक रहना चाहिए। लुधियाना से कैमरामैन विपिन के साथ भूपिंदर शांत की रिपोर्ट। अभी रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बाकी के समाचारों के साथ। जब इंसान अपने चारों तरफ दर्द देखकर बिलख उठता है, तब वह बढ़ता है दर्दियों के आंसू पोंछने। आचार्य आत्माराम जी के आशीर्वाद और उपाध्याय श्रवण फूलचंद जी महाराज जी की प्रेरणा से सुशील कुमार जी ने 13 अप्रैल 1999 बैसाखी के शुभ दिन दो डॉक्टरों के साथ एक छोटी डिस्पेंसरी शुरू की थी। हाथों से हाथ मिलते गए, जिससे भर्ती दान राशि और समय के साथ छोटी डिस्पेंसरी ने अस्पताल का रूप ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज 40 डॉक्टर और 110 कर्मचारियों की टीम मरीजों की सेवा में लगी हुई है। अस्पताल में फ्री आंखों का चेकअप, 24 घंटे इमरजेंसी, 24 घंटे एम्बुलेंस, 24 घंटे पैथोलॉजी सहित कम कीमतों पर सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप भी 501, 5001 या अपनी इच्छा अनुसार दान राशि देकर गरीब मरीजों की मदद कर सकते हैं। नीले सरोवर से जल लेके आना मेरे प्रभु के नावन के लिए, महोत्सव है आया गुरु का दीक्षा, महोत्सव है आया संयम स्वर्ण, महोत्सव है आया, तू पास है गुरुवर मेरा विश्वास है, विश्वास है। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर हौसलों और जज्बों की वो इमारत जिसकी नींव विश्वास पर टिकी है, लुधियाना का बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल, जहां लगे अति आधुनिक इक्विपमेंट्स, देश के बेहतरीन फेमस डॉक्टर्स की टीम पेशेंट्स को स्पेशल हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए कमिटेड है। अफोर्डेबल प्राइस में एक हाई क्वालिटी हेल्थ ट्रीटमेंट लुधियाना के लोगों के लिए समर्पित है, जिसके पीछे का मकसद लुधियाना शहर में अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज हर किसी को मिले। डेंटल, आईज, कार्डियोलॉजी, ऑर्थो, गायनी, पीडियाट्रिक, साइकोलॉजी, साइकेट्री, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स हैं और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी, सिटी स्कैन और कई आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर में सभी संभव प्रयास द्वारा पेशेंट्स की देखभाल की जाती है और यही क्वालिटी विजयनन डायग्नोस्टिक सेंटर को जीवन रक्षक का दर्जा दिलाती है। विजयनन डायग्नोस्टिक सेंटर, बसंत रोड, सिविल लाइंस, लुधियाना। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आइए बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
लुधियाना नगर निगम चुनाव में टिकट की घोषणा होने के बाद नामांकन भरने की प्रक्रिया को पूरा करते हुए प्रत्याशी भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। लुधियाना के वार्ड नंबर 56 से बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व काउंसलर श्री दविंदर कुमार जग्गी ने मां शेरावाली का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने गृह स्थान में भजन संध्या का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने बीते 5 साल की तरह इलाके की जनता से उनकी हर संभव सेवा और सहायता करने का भरोसा दिलाया। लुधियाना नगर निगम चुनाव में टिकट की घोषणा होने के बाद नामांकन भरने की प्रक्रिया को पूरा करते हुए प्रत्याशी भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। लुधियाना के वार्ड नंबर 56 से बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व काउंसलर श्री दविंदर कुमार जग्गी ने मां शेरावाली का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने गृह स्थान में भजन संध्या का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने बीते 5 साल की तरह इलाके की जनता से उनकी हर संभव सेवा और सहायता करने का भरोसा दिलाया। मैं देवेंद्र कुमार जग्गी वार्ड नंबर 56 तो भारतीय जनता पार्टी वालों कमल दे फुल दे निशान तो नोमीनेट किया गया हाँ। पिछले 5 साल कौंसलर रहिंदे हुए जो मैं काम किए उन्हां कमां दे आधार पर जो सेवा लोगों की कीती उस दे आधार पर मैं दोबारा तो पब्लिक दे विच उन्हां दी सेवा का संकल्प लैके हाजिर होया और मैनू जो हुंगारा मिल रहा है जो आम वोटरां दा और समर्पित वोटरों का जो मैंने हुंगारा मिल रहा है। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। आज हम आपको जैन धर्म के 12 पवित्र तीर्थ स्थलों के दिव्य दर्शन करवाएंगे और देंगे उनके बारे विस्तार पूर्वक जानकारी। पूरे भारत में जैन धर्म के अनेक तीर्थ स्थल हैं। यहाँ प्रस्तुत है प्रमुख 12 तीर्थों की महत्वपूर्ण जानकारी। तीर्थ नंबर 1 श्री सम्यक शिखर जी गिरिडीह झारखंड। जैन धर्म में सम्यक शिखर जी को सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। यह भारतीय राज्य झारखंड में गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ पर स्थित है। इस पहाड़ को पार्श्वनाथ पर्वत कहा जाता है। श्री सम्यक शिखर जी के रूप में चर्चित इस पुण्य स्थल पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर, 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य ने चंपापुरी, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत पर और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था। तीर्थ नंबर 2 अयोध्या जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश। जैन धर्म में अयोध्या सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को जन्म हुआ था। ऋषभदेव के अलावा अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ का भी जन्म अयोध्या में ही हुआ था, इसलिए यह जैन धर्म के लिए बहुत ही पवित्र भूमि है। तीर्थ नंबर 3 कैलाश पर्वत तिब्बत चीन। ऋषभदेव को हिंदू वृषभदेव कहते हैं। भगवान शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है और वृषभदेव को भी आदिनाथ कहा जाता है। कैलाश पर्वत पर ही ऋषभदेव को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऋषभदेव स्वयंभू मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए थे। स्वयंभू मनु, प्रीव्रत, अग्निध्र, नाभि और फिर ऋषभ। कुलकर नाभिराज से ही इक्ष्वाकु कुल की शुरुआत मानी जाती है। तीर्थ नंबर 4 वाराणसी उत्तर प्रदेश। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। उनसे पूर्व श्रवण धर्म की धारा को आम जनता में पहचाना नहीं जाता था। पार्श्वनाथ से ही श्रवणों को पहचान मिली। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के अधिकांश पूर्वज भी पार्श्वनाथ धर्म के अनुयायी थे। पार्श्वनाथ का जन्म ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व पौष कृष्ण एकादशी के दिन वाराणसी में हुआ था। चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आपने दीक्षा ग्रहण की थी। 83 दिन कठोर तपस्या करने के बाद 84वें दिन उन्हें चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सम्यक शिखर पर ही कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सम्यक शिखर पर ही श्रावण शुक्ल की अष्टमी को आपने निर्वाण प्राप्त किया था। तीर्थ नंबर 5 तीर्थराज कुंडलपुर जिला नालंदा
बिहार। ईसा से लगभग 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशाला के यहाँ तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल 13 को वर्धमान का जन्म हुआ। यही वर्धमान जी बाद में स्वामी महावीर बने। महावीर स्वामी के माता पिता जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुए थे, के अनुयायी थे। कुंडलपुर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह स्थान पटना से 100 किलोमीटर और बिहार शरीफ से 15 किलोमीटर दूर है। इस स्थान को जैन धर्म में कल्याणक क्षेत्र कहा जाता है। तीर्थ नंबर 6, पावापुरी, जिला नालंदा, बिहार। पावापुरी वह स्थान है जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की उम्र में 526 ईसा पूर्व निर्वाण प्राप्त किया था। यह स्थान बिहार में नालंदा जिले में स्थित है। इसके समीप ही राजगीर और बोधगया है। महावीर के निर्वाण का सूचक एक स्तूप अभी तक यहाँ खंडहर के रूप में स्थित है। यहाँ एक सरोवर है जिसके जल के अंदर जल मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि भगवान महावीर का अंतिम संस्कार इसी कमल सरोवर के मध्य किया गया था। यहीं पर एक संभव शरण जैन मंदिर है जहां महावीर स्वामी ने अपना अंतिम प्रवचन दिया था। तीर्थ नंबर 7, गिरनार पर्वत, जूनागढ़, गुजरात। गिरनार पर्वत पर 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। यह सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर नेमिनाथ स्वामी के अलावा 72,700 मुनि मोक्ष गए हैं। काठियावाड़ में जूनागढ़ स्टेशन से 5-6 मील की दूरी पर गिरनार पर्वत की तलहटी स्थित है। पहाड़ पर लगभग 700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद प्रभु के दर्शन होते हैं। 3137 ईसा पूर्व हुए 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का उल्लेख हिंदू और जैन पुराणों में स्पष्ट रूप से मिलता है। नेमिनाथ और भगवान श्री कृष्ण दोनों चचेरे भाई थे। तीर्थ नंबर 8, चंपापुरी, बिहार। 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य ने चंपापुरी में पाटल वृक्ष के नीचे माघ की दूज को मोक्ष प्राप्त किया था। वासुपूज्य स्वामी का जन्म चंपापुरी के इक्ष्वाकु वंश में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शतभिषा नक्षत्र में हुआ था। यहीं पर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को चंपापुरी में ही आपको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तीर्थ नंबर 9, श्रवण बेलगोला, गोमटेश्वर, कर्नाटक। यह प्राचीन तीर्थ स्थल भारतीय राज्य कर्नाटक के मंड्या जिले में श्रवण बेलगोला के गोमटेश्वर स्थान पर स्थित है। यहाँ पर भगवान बाहुबली की विशालकाय प्रतिमा स्थापित है, जो पूर्णतः एक ही पत्थर से निर्मित है। इस मूर्ति को बनाने में मूर्तिकार को लगभग 12 वर्ष लगे। यह प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के दो पुत्रों में से एक बाहुबली के मोक्ष प्राप्ति का स्थान है। श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी और विंध्यगिरी नाम की दो पहाड़ियां आसपास है। यहां पर 57 फुट ऊंची बाहुबली की प्रतिमा विराजमान है। इस मूर्ति का हर 12 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक होता है। तीर्थ नंबर 10, बावन गजा, चूलगिरी, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बड़वानी शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित इस पवित्र स्थल में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी की 84 फुट ऊंची उत्तुंग प्रतिमा है। सतपुड़ा की मनोरम पहाड़ियों में स्थित यह प्रतिमा भूरे रंग की है और एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इस प्राचीन प्रतिमा का मस्तकाभिषेक प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात होता है। तीर्थ नंबर 11, चांदखेड़ी, कोटा, राजस्थान। कोटा के निकट खानपुर नाम का एक प्राचीन नगर है। खानपुर से 2 मील की दूरी पर चांदखेड़ी नाम की पुरानी बस्ती है। यहाँ भूगर्भ में एक अति विशाल जैन मंदिर है।
एवं अनेक विशाल जैन प्रतिमाएं प्राप्त की गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान कोटा जंक्शन से 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे के निकट चांदखेड़ी रूपाली नदी के किनारे बसा है। यहाँ स्थित प्रतिमा श्रावण बेलगोला के बाहुबली की प्रतिमा के उपरांत भारत की दूसरी मनोज्ञ प्रतिमा है। दरअसल यह मुख्य प्रतिमा इस क्षेत्र से 6 मील दूर बारहापाटी पर्वतमाला के एक हिस्से में बरसों से दबी हुई थी। तीर्थ नंबर 12, पालीताणा जैन मंदिर, गुजरात। पालीताणा जैन मंदिर गुजरात के भावनगर से 51 किलोमीटर की दूरी पर शत्रुंजया पहाड़ पर स्थित है। पालीताणा के जैन मंदिर उत्तर भारतीय वास्तुशिल्प के अनुसार बनाए गए हैं। शत्रुंजया पहाड़ियों की श्रृंखलाओं पर लगभग 900 से अधिक मंदिर हैं। ग्यारहवीं सदी में बने इन मंदिरों को 2 भागों में बनाया गया है। शत्रुंजया पर स्थित जैन मंदिर पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। यहाँ पर प्रमुख जैन मंदिरों में आदिनाथ, विमल शाह, समुख प्रतिद राजा, कुमारपाल, चौमुख आदि का नाम उल्लेखनीय है। पालीताणा जैन मंदिर जैनियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ का दर्जा रखता है, अतः जैन धर्म को मानने वाले यहां अवश्य ही आते हैं। नगर निगम चुनाव का बिगुल बजते ही सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लुधियाना के वार्ड नंबर 54 और वार्ड नंबर 60 से आम आदमी पार्टी की टिकट पर नगर निगम चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इस चुनाव प्रचार में महिलाएं और बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। नगर निगम चुनाव का बिगुल बजते ही सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लुधियाना के वार्ड नंबर 54 और वार्ड नंबर 60 से आम आदमी पार्टी की टिकट पर नगर निगम चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इस चुनाव प्रचार में महिलाएं और बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आज वार्ड नंबर 60 दे विच आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी जड़ा वह बिगुल बजा दिता है। एक कारपोरेशन दे उम्मीदवार सारे ही जिदा अलग अलग मुहिम दे विच जा रहे ने, सब अपने अपने डोर टू डोर कर रहे ने। उस तरह ही आम आदमी पार्टी भी अपने सारे मुहिम दे विच अपनी जा के सारा शिरकत कर रही है। मैं सुशील कुमार वार्ड नंबर 54 तो आम आदमी पार्टी का कैंडीडेट। असी देखो जी राजनीति नहीं करना आए, असी एक मामूली जी आदमी है। आम बंदियां दे विचों सानू इस काबिल समझा गया कि असी मतलब लोगों की भलाई कर सकते हैं, तो इस करके असी आए हैं। असी मतलब करप्शन खत्म करन आए हैं। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं काव्या जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और नए समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहें आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।